वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है एडिशन ऑफ नंबर सिस्टम। हमारे पास ये नंबर सिस्टम है, 5 इसकी बेस है, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसकी बेस 2 होती है, ये 5 बेस है। हम इसको ऐड करेंगे। 5 बेस का मतलब क्या है कि इसमें 0 से 4 तक होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। इसके अलावा और कुछ नहीं हमारे पास आ सकता है। तो यहाँ पर भी आप देखें तो 4 तक ही आपको नज़र आ रहे हैं डिजिट्स, ठीक है। और अगर जब आप प्लस भी करते हैं तब भी आपके पास या तो 0 आ सकता है, या 1 या 2 या 3 या 4 आप लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास इससे बड़ा नंबर आ रहा था फिर आपको क्या करना पड़ता है वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। यहाँ पर 3, 4, 0, 1, 0, 2 लिख लें, बेस जो 5 है वो भी यहाँ पर लिख लें। इसी तरह यहाँ से स्टार्ट हो लिखना शुरू करें, 4 यहाँ पर लिखें, 2 यहाँ पर लिखें, और यहाँ पर 1 लिखें, यहाँ पर 0 लिखें, यहाँ पर 3 लिखें, और यहाँ पर 2 लिखें। ये तो इक्वल नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ़ डिजिट्स ना हो, जैसे यहाँ पर है, फिर आप क्या करें? फिर आप तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर तो आपका आंसर होगा जगह। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से लिखते जाना, ठीक है, और फिर प्लस करते जाना। अब यहाँ पर हम प्लस कर लेते हैं। देखिए अब 4 में 2 को प्लस करें तो ऐसे तो 6 आता है, लेकिन आपने 6 नहीं लिखना क्योंकि आपके पास बेस है 5। तो या तो 0 या 2, 1 या 2 या 3 या 4, ठीक है, आपके पास आ सकता है, 5 भी नहीं आ सकता। तो आपने क्या करना है, 4 और 2 तो 6 होते हैं, तो आपने क्या करना है, 6 नहीं लिखना है यहाँ पर, आपने 6 यहाँ पर लिखना है और उसको डिवाइड किससे करना है, जो बेस है 5 उससे। तो अब 5 को टेबल में तो 6 नहीं आता, 5 को टेबल में 5 आता है 1000, और यहाँ पर तो 6 था, हमने तो 5 को सॉल्व किया, तो इसका जो 1 है वो रह गया, वो रिमाइंडर में आ गया, तो आंसर क्या आ गया, 1 1। तो यहाँ पर हमने 1 लिख देना और यहाँ पर 1 कैरी चला जाएगा। ये वाला जो होता है वो नीचे आ जाता है, और जो ये होता है वो कैरी चला जाता है। 2 में 1 को प्लस करें तो 3, तो 3 तो हम लिख सकते हैं, यस, क्योंकि वो 5 उससे छोटा 5 से। और फिर 1 में 1 को प्लस करें तो 2 है, वो भी हम लिख सकते हैं, 0 में 0 तो 0। 4 में 3 को प्लस करें तो 7, 7 नहीं हम लिख सकते, ठीक है। तो 7 के लिए भी हम क्या करेंगे, 7 को यहाँ पर लिखेंगे और बेस 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 को टेबल में 7 नहीं आता, 5 को टेबल में 5 आता, तो 5 को टेबल में 5 आता 1000, और यहाँ पर 7 था, हमने 5 को सॉल्व किया तो 2 यहाँ पर आ गया, तो क्या आ गया, 1 2। तो ये वाला जो है हमने यहाँ पर लिखना है, और जो ये है ये कहाँ जाएगा, कैरी जाएगा, 3, 4, 5 और 6। तो 6 आ गया हमारे पास, तो हमने 6 नहीं लिखना है, 6 की जगह क्या लिखना है, 1 1। अब यहाँ पर पूरा ही लिख लेना क्योंकि आगे तो है नहीं जो कैरी दें, तो पूरा ही हमने यहाँ पर लिख दिया, बेस की आ जाएगी 5 और हमने इसको ऐड कर दिया। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं ये जो है बाइनरी नंबर सिस्टम की एडिशन पे, तो आप चेक कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।